दवाई सतान को भी दिला देना और वो खांसी की दवाई मैं दूसरा गोली भी दिए हैं एक गोली सुबह शाम दे और एक तो क्या आप यहाँ चिकित्सालय में नहीं दिखाएं? फ्री में इलाज होता है चिकित्सालय में। हाँ ओम चल जाने दिखा लेनी अभी तक पहले लेके आई मैंने। हाँ तो किसी के कहने पे आई है? मैंने क्यों कॉल आई ठीक है मैंने वो देख सके नहीं। अच्छा तो वो देख सकना कितना फीस है यहाँ? फीस या कारण कितना है 100 रुपया सेट है कितना है? अच्छा तो डॉक्टर साहब प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? यहाँ महिलाएं आकर बैठी हैं कह रही हैं कि डॉक्टर साहब को दिखाना डॉक्टर साहब है नहीं और यहाँ बोर्ड लगा है बाकायदे। अगर ऐसा होता तो फिर उनको डॉक्टर साहब बताए होते या फिर पता होता उन लोगों को डॉक्टर साहब हैं कहाँ। इसमें डॉक्टर साहब इमरजेंसी कर रहे हैं, डॉक्टर साहब प्राइवेट नहीं देखते हैं। अगर जो यहाँ आता है उनको देखते हैं या प्राइवेट देखते हैं या कैसे देखते हैं ये हमें नहीं पता। देखते हैं यहाँ आता है तो देखते हैं। ओपीडी बंद होने के बाद आवाज़ पे रहते हैं जो पेशेंट उनको पूछते रहते हैं उनको देखते हैं। कितना फीस उस लेते हैं ये हमें जानकारी नहीं। आइए हम तो चाहते हैं सर वहाँ पे ये स्थिति है मरीज जाता है पहले जांच और दो बजे के बजाय लड़के हैं सर हमारे पास बगैर फीस के वहाँ पे आपको दवा नहीं लिख सकते हैं। अच्छा 50 रुपये वहाँ खुलेआम लेते हैं। कल मैं जा रहा हूँ फिर दवाई कराने अपना डायरेक्ट नहीं लेते हैं वही लड़के हैं वो लड़कों के हिसाब से जाते हैं डायरेक्ट नहीं लेते हैं लड़का ठीक है लेता तुम्हें कक्ष में आइए ना। हाँ तो बस हिडन कैमरा लेकर जाइए। आपके क्या कहना है? हाँ ये बातें संज्ञान में आई हैं और मैंने इन लोगों को जो है बार बार के सामने बता रहा हूँ। कल पुनः संज्ञान में आया है कि डॉक्टर लोग जो है कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो पुनः मैंने इन लोगों को चेतावनी दी है और एक मीटिंग मैंने रखा हुआ है और उसमें हमने बताया है कि अगर इस तरह की कोई भी व्यक्ति प्राइवेट प्रैक्टिस करते मिला जाएगा तो उसके खिलाफ। सर सदर अस्पताल की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें डॉक्टर बता रहे हैं किस कक्ष में कौन से डॉक्टर कितने रुपए लेकर के फीस डॉक्टर मरीज को देख रहे हैं तो क्या कहना है आपका? मेरे संज्ञान में नहीं है और जहाँ तक मेरी पूरी जानकारी है तो कोई इस तरह की बात नहीं है।